एक प्रश्न है YouTube से ही, और वो कुमुदनी वर्मा जी हैं पटना से। राधे राधे गुरु जी, गुरु जी गृहस्थ में रहकर भजन करने पर समाज एवं संबंधियों के बाउंसर वॉल का सामना कैसे किया जाए, खासकर महिलाओं को? बैट्समैन क्रिकेट में बाउंसर को कैसे खेलता है? बहुत अच्छा उदाहरण आपने बाउंसर का दिया है ना? दो ही काम करता है बैट्समैन उस पर। बाउंसर अगर आती है तो वो या तो हुडक करता है, झुक जाता है, और या फिर हुक मारता है, पीछे सिक्स मारता है। अब आप देख लो आपको कौन सा प्रयोग करना है बाउंसर पे। एक डक भगवान के आगे झुक जाओ, भगवान से कह दो मैं तो कुछ करने वाला हूं नहीं, मैं तो कुछ करूंगा नहीं, मैं तो बोलूंगा नहीं, जवाब दूंगा नहीं, मैं भजन करता हूं, भजन करूंगा, भजन कर रहा था, भजन करता रहूंगा, करती हूं, करती थी, करती रहूंगी। आप ये कह दीजिए जो करना है वो आप कीजिए, हमें कुछ नहीं करना। आप ये कहकर भगवान के आगे सर झुका दीजिए, ये हो गया डक करना, झुकना। दूसरा हुक करना, बाउंसर को भी हुक मार के सिक्स मारना है, तो ये कैसे होगा? तुलसीदास महाराज ने एक बात कही बहुत अच्छी, जो व्यक्ति हमारे धर्म की, हमारे गुरु की, हमारे भगवान की निंदा करे, अगर आपका बस है तो उसकी जीभ बाहर निकाल लो, और अगर बस नहीं है तो अपने कान में उंगली डालो और वहां से निकल जाओ। तो आज के संवैधानिक युग में हम किसी की जीभ नहीं निकाल सकते, लेकिन अपनी जीव के द्वारा उसे पर्याप्त, अगर अपने गुरु के द्वारा हमने ज्ञान पाया है तो उस ज्ञान को, गुरु के ज्ञान को हमें वहां तक पहुंचाना चाहिए, और कहना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फल है कि आप अपने जीवन में जीते जी आप परमात्मा का भजन करें, उसे मनाएं, उसे कोशिश करें। मछली खाने के लिए हम लोग नहीं आए, शराब पीने के लिए लोग हम लोग नहीं आए, बच्चों को सिर्फ उनकी पोटी साफ करने के लिए हम लोग नहीं आए, बच्चों के जीवन भर उन्हें खिलाने पिलाने, कम पढ़ाने लिखाने के लिए हम लोग नहीं आए। ये काम तो सभी करते हैं, इसमें अंतर क्या है, इसमें भेद क्या है? इसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन हम लोग आए हैं इन सब के साथ साथ परमात्मा का भजन करने के लिए, हम आए हैं परमात्मा को पाने के लिए। ये इतना बड़ा ज्ञान आप देने जाएंगे तो वो समझेगा नहीं, तो इसलिए अपने सारी जिम्मेदारी को, जैसे भगवान ने कहा योगक्षेम वाम्यहम्, जो मेरी शरण में आ जाता है उसके सारे योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तो आप भगवान की शरण में चले जाइए, भगवान अपने आप आपका कल्याण और उनका कल्याण करेंगे। यही मेरी आपको सलाह है, भगवान से कह दीजिए, भगवान अपने आप जवाब देंगे। राधे राधे।